वेलकम टू आवर चैनल फोटोन बूस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं यशपाल मीणा, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फोटोन बूस्ट के ऊपर। और आप इस समय देख रहे हैं राजस्थान विद्युत विभाग भर्ती परीक्षा 2021 के लिए हमारे द्वारा चलाई जा रही सिलेबस एंड स्टडी सीरीज का वीडियो नंबर 6। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बार फिर से AEN और JEN के बारे में, यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर की और जूनियर इंजीनियर की वो पोस्ट जो राजस्थान विद्युत विभाग 2021 में निकाली गई है दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में। आखिरी वीडियो में भी हमने AEN और JEN के बारे में बात की थी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग से संबंधित। लेकिन आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के विषय में। दोस्तों, किसी बहुत ही कंसर्न्ड जो हमारे व्यूअर हैं, उन्होंने हमें सलाह दी थी कि आपके वीडियो बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं तो इससे बड़ी समस्या हो जाती है देखने में। तो इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि हम एक वीडियो में केवल एक ही ब्रांच का एक्सप्लेनेशन देंगे। तो आज के वीडियो में केवल और केवल आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस और उससे संबंधित किताबों की जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्ड सिलेबस तो बताऊंगा ही, इसके अतिरिक्त मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको सिस्टमैटिकली उस सिलेबस को कौन कौन सी किताबों से कवर करना है, आपके पास में कौन कौन सी किताबों के ऑप्शंस मौजूद हैं। इन सभी विषयों के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए दोस्तों। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो जरूरतमंद जो एस्पिरेंट्स हैं उन तक पहुंच सके। क्योंकि आप सभी जानते हैं दोस्तों, इस समय लॉकडाउन लगा हुआ है और सभी मदद की उम्मीद कर रहे हैं अलग अलग सोर्सेज से, तो हम भी इसमें अपना योगदान दे रहे हैं। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने संबंधित पेपर नहीं भी भरा है, यानी कि आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से AEN या JEN का फॉर्म नहीं भी डाला है, तो भी आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि जिन लोगों ने ये फॉर्म डाला है उन्हें इस वीडियो से मदद मिल सके। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, सिलेबस एंड स्ट्रेटजी वीडियो नंबर 6, AEN JEN फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फोटोन बूस्ट, आल्सो डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट्स। तो आइए दोस्तों बात करते हैं AEN और JEN के सिलेबस के बारे में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है टेक्निकल पार्ट का, उसके बारे में हम बात करेंगे। हम इस वीडियो में नॉन टेक्निकल के बारे में बात नहीं करेंगे दोस्तों। नॉन टेक्निकल पार्ट के अंदर 5 सब्जेक्ट हैं, जैसे कि GK GS, इसके अतिरिक्त मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, इन सभी सब्जेक्ट्स के बारे में हम बात नहीं करेंगे दोस्तों। क्योंकि इसके बारे में मैं ऑलरेडी LDC और जूनियर असिस्टेंट के सिलेबस एंड स्ट्रेटजी वीडियो में बात कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिए, वहाँ उसका लिंक दिया गया है। उस वीडियो के अंदर मैंने नॉन टेक्निकल पार्ट का पूरा सिलेबस एक्सप्लेन किया है, जिसमें राजस्थान GK का वेटेज सबसे ज़्यादा रहेगा इस बार, और उसे आपको कहाँ से कवर करना है वो भी मैंने उस वीडियो में जानकारी दी है पूरी। तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, वो आपके लिए काफ़ी कारगर रहेगा। और इस वीडियो में हम केवल और केवल टेक्निकल हिस्से के बारे में बात करेंगे, यानी कि वो जो 60% वेटेज वाला जो हिस्सा है उसके विषय में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो आइए बिना देर किए सबसे पहले हम देखते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस किस प्रकार से रहेगा इस एग्जाम में AEN और JEN दोनों के लिए। दोस्तों, AEN और JEN दोनों का जो सिलेबस है वो एकदम सेम है, क्योंकि नोटिफिकेशन में भी जो इनके विषय में जानकारी दी गई है वो बिल्कुल एक जैसी है दोस्तों। उसमें साफ साफ कहा गया है कि डिग्री से संबंधित जो हिस्सा है वो इसमें पूछा जाएगा। इसके अतिरिक्त उसमें अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स केवल 12वीं की लिख रखी है उसमें, ब्रैकेट में सामने लिखा हुआ है मैथ्स के पार्ट में, जिसमें 12th की मैथमेटिक्स आएगी। लेकिन इस मैथमेटिक्स का जो वेटेज है दोस्तों वो बहुत ही कम रहेगा, तो उसके लिए आपको ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। और जो इंजीनियरिंग वाला जो पार्ट है वो किस प्रकार से दिया गया है वो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। आप यहां पे फोटो देख रहे हैं, तो इस फोटो में आप सिलेबस देख सकते हैं बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो इसमें तकरीबन 20 टॉपिक हैं आपके लिए, जिनमें पहला है हीट ट्रांसफर, दूसरा है थर्मोडायनामिक्स, तीसरा है पावर इंजीनियरिंग, इसके बाद टर्बो मशीनरी, इंजीनियरिंग मटेरियल्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स, वाइब्रेशन, मशीन डिज़ाइन, थियरी ऑफ मशीन्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, मशीनिंग एंड मशीन टूल ऑपरेशंस, ऑपरेशंस रिसर्च, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, IC इंजन्स, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, कास्टिंग, फॉर्मिंग एंड ज्वाइनिंग प्रोसेसेस, मेट्रोलॉजी एंड इंस्पेक्शन, इन्वेंट्री कंट्रोल्स एटसेट्रा। तो दोस्तों ये 20 पॉइंट जो है ये है आपका सिलेबस। ये 20 पॉइंट दिखते ही 20 हैं, लेकिन ये अपने आप में काफ़ी डिटेल्ड टॉपिक्स हैं दोस्तों। तो अब सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने ये खड़ी हो जाती है कि इन डिटेल्ड टॉपिक्स को
कहां से कम समय में कवर करें दोस्तों, क्योंकि इस फॉर्म को केवल जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भरा है, तो ये उम्मीद की जाती है कि ये सिलेबस उन्होंने डेफिनेटली अपने ग्रेजुएशन के दौरान पूरे पढ़े होंगे, तो इसीलिए इन सब्जेक्ट्स को अगर वो पढ़ के आए हैं तो उन्हें ज़्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए रिवाइज करने के हिसाब से। तो इसीलिए हमें बुक्स देखनी है कि कहाँ से हमें करें। देखिए, आपको बुक सेलेक्ट करने से पहले ये ध्यान में रखना है कि बुक आपको किस तरह की सेलेक्ट करनी है। देखिए, आप ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव बुक को सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। उसका कारण ये है कि डिस्क्रिप्शन वाली किताब जो है उसे पढ़ने में ही सारा वक्त निकल जाएगा और आप सवालों को प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो इस तरह की जो एग्ज़ाम्स है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, इनमें क्वेश्चंस के थ्रू चलने वाली जो अप्रोच है वो सबसे ज़्यादा कारगर रहती है दोस्तों। तो इस क्वेश्चंस के थ्रू चलने वाली अप्रोच को देखते हुए आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आपको एक ऐसी बुक की आवश्यकता है जिसमें थ्योरी का पार्ट या तो ना हो या फिर बहुत कम हो, नटशेल्स में थ्योरी हो, इसके अतिरिक्त नंबर ऑफ क्वेश्चंस अच्छे हों, विद सॉल्यूशन हो, केवल उनके आंसर्स ना हों बल्कि उनके सॉल्यूशंस भी हों दोस्तों, ताकि आपको क्वेश्चंस को समझने में दिक्कत ना आए दोस्तों। तो मैंने ऐसी कुछ किताबों की जो है एक लिस्ट तैयार की है इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिवली, और उन सभी बुक्स को मैं वन बाय वन आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों, और मैं ये भी बताऊंगा कि वो बुक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। दोस्तों, आप सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं एसएससी जेई। अब आप मुझे कहेंगे कि सर, आप जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो जूनियर इंजीनियर की बुक है वो हमें क्यों बता रहे हैं? तो दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में भी ये बात कही थी कि इंजीनियरिंग के जो एग्ज़ाम्स होते हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव एग्ज़ाम ना होकर टेक्निकल एग्ज़ाम्स हैं दोस्तों। टेक्निकल एग्ज़ाम में और एडमिनिस्ट्रेटिव एग्ज़ाम में फ़र्क ये होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एग्ज़ाम में कुछ विशेष एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स होते हैं जो डिपार्टमेंट वाइज वेरी करते हैं, डिपार्टमेंट वाइज चेंज होते हैं, और अक्सर इस तरह के जो रूल्स हैं वो डिपार्टमेंट स्पेसिफिक वाले पेपर्स में पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। जैसे अगर आप एलडीसी के बारे में बात करें, या आप जूनियर अकाउंटेंट के बारे में बात करें, या जूनियर लीगल ऑफिसर के बारे में अगर आप बात करें, तो इनमें कुछ ऐसे अलग से नियमावली है जो सिर्फ राजस्थान विद्युत विभाग इनके लिए डालता है। आरपीएससी में और राजस्थान विद्युत विभाग के पेपरों में इन नियमावलियों का फर्क होता है दोस्तों, तो इसलिए ये एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्स में डिफरेंस आ सकता है, लेकिन टेक्निकल एग्जाम्स में ये फर्क नहीं आ सकता दोस्तों। कारण ये है कि टेक्निकल जो पेपर होता है वो एक जैसा होता है, वो डिपार्टमेंट स्पेसिफिक नहीं हो सकता दोस्तों। अगर किसी ने आईटी और सीएस से अपनी इंजीनियरिंग की है तो उसने केवल आईटी और सीएस का पार्ट पढ़ा होगा। अगर राजस्थान विद्युत विभाग पेपर ले रहा है तो आईटी सीएस से वो इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चंस तो बिल्कुल नहीं पूछने वाला दोस्तों, तो वो ग्रेजुएशन से संबंधित जो सवाल है वही पूछेगा, और वो पूरे देश में एक जैसे हैं। इसीलिए मैंने पिछले वीडियो में ये कहा भी था कि अगर आपको दूसरे स्टेट्स की कोई जो एग्जामिनेशन की जो कंपाइलेशन है, जो क्वेश्चन के कंपाइलेशन है, रिपीटेड क्वेश्चंस की जो कंपाइलेशन अगर वो मिल जाते हैं तो वो वेल एंड गुड है, वो तैयारी के लिए बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि एक स्टेट का पेपर कई बार ऐसा होता है कि दूसरी स्टेट में रिपीट हो जाए, या उनमें से कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो किसी दूसरी स्टेट में रिपीट हो जाए। अक्सर ऐसा पाया गया है कि जो साउथ में जेई और एई का जो एग्ज़ाम होता है उनके जो पेपर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो नॉर्थ में कई बार जो है रिपीटेड पाए जाते हैं, तो इसलिए आपके लिए जो जेई के पेपर्स हैं, जो जेई के क्वेश्चंस हैं, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया के इंपॉर्टेंट हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे एसएससी जेई की किताब आपके लिए प्रेस्क्राइब की है। ये किताब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होगी। इसमें जो है प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर्स है दोस्तों, यानी कि प्रीवियस ईयर में एसएससी ने जो भी सवाल पूछे हैं वो इस बुक में मौजूद हैं, वो भी विद सॉल्यूशन। तो ये बुक आपके लिए काफ़ी कारगर रहेगी, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस जो है वो इन्हीं से उठकर आ जाते हैं सीधे सीधे, तो ये बुक बहुत ही बढ़िया बुक है दोस्तों। इस बुक के जो पब्लिशर हैं वो है इंजीनियर्स अकेडमी। इंजीनियर्स अकेडमी की जो बुक्स हैं वो वाकई में बहुत नामी गिरामी किताबें हैं दोस्तों, और ये काफ़ी अच्छी जो किताबें हैं पब्लिश करते हैं इंजीनियर्स के लिए विशेष तौर पर, तो आप इस किताब को रेफर कर सकते हैं। अगली बुक भी मैं आपको इंजीनियर्स एकेडमी की ही रेफर कर रहा हूं दोस्तों, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर ये बन के आ रही है। ये विशेष तौर पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग एई और जेई के लिए ही है दोस्तों। कन्वेंशनल बुक इसमें लिखा हुआ है, कन्वेंशनल पेपर वो जो ब्रांच स्पेसिफिक का पेपर जो होता है उसी को कन्वेंशनल पेपर कहा जाता है दोस्तों। इसमें हर तरह के क्वेश्चन जो है बीटेक से संबंधित क्वेश्चन मौजूद होते हैं, और इसीलिए इसे कन्वेंशनल पेपर कहा जाता है। ये स्पेसिफिकली एई और जेई के लिए है दोस्तों, यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर के लिए किताब दी गई है, और इसमें बिल्कुल साफ लिखा गया है कि ये स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छी है, और आपका जो इंजीनियरिंग एग्जाम है ये भी स्टेट का ही इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आपको इस बुक के जो कंटेंट्स हैं वो भी दिखाना चाहूंगा। इसके कंटेंट्स अवेलेबल थे इसलिए मैंने कंटेंट्स निकाल लिए हैं। ये देखिए, इन कंटेंट्स में जो आपका सिलेबस है वो अधिकतर सिलेबस आपका कवर हो गया है। आप देख सकते हैं थ्योरी ऑफ मशीन्स, मशीन डिजाइन, थर्मोडायनामिक्स, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग,
इसके अलावा आईसी इंजन, पावर प्लांट, हीट मास एंड ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस, तो ये लगभग लगभग सिलेबस जो है इसमें कवर हो गया है दोस्तों। तो ये बहुत ही बढ़िया किताब आप लोगों के लिए रहेगी, इसमें थ्योरी भी दी हुई है थोड़ी बहुत और इसमें जो है एमसीक्यूज भी दिए हुए हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बुक है दोस्तों। अगली बुक मैं आपको रेफर करने जा रहा हूँ, जीकेपी पब्लिकेशंस की किताब है ये है द हैंडबुक ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसमें आपको जो है क्वेश्चंस भी मिलेंगे और थोड़ी बहुत थ्योरी भी मिलेगी और बहुत ज़्यादा महंगी किताब नहीं है, तो ये बुक भी बहुत ही बढ़िया बुक है, आप चाहें तो इस बुक को भी रेफर कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में सबसे नामी गिरामी किताब मैं आपको रेफर कर रहा हूँ दोस्तों, ये है आर एस खुरमी मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ये कन्वेंशनल और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इसमें जो है आप आते हैं पूछे जाते हैं इसमें अलग से, तो ये किताब बहुत ही कारगर किताब है, एस चांद पब्लिकेशंस की किताब है और आर एस खुरमी वैसे भी बड़े नामी गिरामी राइटर हैं मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग की बुक्स में। एक बार फिर से मैं आपको आर एस खुरमी की एक और किताब जिसमें 5000 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं और उनके हिंट्स भी दिए गए हैं दोस्तों, तो ये किताब मैं आपको रेफर करना चाहूँगा, इसमें 5000 क्वेश्चंस हैं। इन दोनों में से आप एक ही किताब लीजिए दोस्तों, दोनों किताबों को बाय करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो AEJEE की जो बुक है उससे भी बाय कर सकते हैं और इसे भी बाय कर सकते हैं। तो अगर ये दो किताब आप बाय कर लेते हैं तो आपका पूरा टेक्निकल पोर्शन दोस्तों कवर हो जाता है। आखिर में दोस्तों मैं आपको यूथ कंपटीशन टाइम्स की किताब जो है रेफ़र करना चाहूँगा, YCT की जो किताब है वो लगभग लगभग सभी के लिए निकाली गई है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल के लिए भी निकाली गई है, मैकेनिकल के लिए भी निकाली गई है, सिविल के लिए भी निकाली गई है दोस्तों। अगली किताब और आखिरी किताब है मेरी तरफ से यूथ कंपटीशन टाइम्स की किताब, ये किताब जो है मैंने लगभग लगभग सभी ब्रांचेस को रेफ़र की है दोस्तों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं दोस्तों, इसके अंदर थ्योरी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इसमें सभी स्टेट्स के अंदर जो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं JEE और AEN के, वो सभी क्वेश्चंस में मौजूद है, हालांकि इसके अंदर AEN ही लिखा हुआ है इसके ऊपर टॉप पे और AEN के ही इसमें क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसमें कई सॉफ्ट क्वेश्चंस भी हैं, ईजी क्वेश्चंस भी हैं जो कि JEE के लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस है दोस्तों। तो ये किताब बहुत ही अच्छी, क्योंकि इसमें ऑल इंडिया में जितने भी क्वेश्चंस अब तक पूछे गए हैं JEE और AEN के तहत, वो सभी क्वेश्चंस इस बुक में मौजूद है दोस्तों, और इस बुक में वो क्वेश्चंस टॉपिक वाइज तरीके से दिए हुए हैं, तो ये बुक बहुत ही खास किताब है, बहुत अच्छी किताब है, आप चाहें तो ये भी बाय कर सकते हैं दोस्तों। इनमें से आपको सिर्फ एक किताब बाय करनी है दोस्तों, कोई भी एक या दो किताबें ज्यादा से ज्यादा आप रेफर कर लीजिए। मेरी तरफ से आप एक आर एस खुरमी और उसके अतिरिक्त एक किताब और आप बाय कर सकते हैं, AEJEE की जो किताब है, जो इंजीनियर्स एकेडमी वाली किताब है, वो आप बाय कर लीजिए तो आपको काफ़ी है। इसके अतिरिक्त अगर आपके जो थ्योरी पार्ट है अगर बहुत अच्छा है, अगर आपने ऑलरेडी काफ़ी अच्छी तैयारी कर रखी है, अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फिर आप YCT की बुक्स की तरफ भी जा सकते हैं। YCT की बुक की खास बात यह है कि इसके अंदर थ्योरी बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस हैं, बहुत मोटी किताब है और इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस मौजूद हैं दोस्तों, तो बेहतरीन किताब है तैयारी के लिए, तो आप इसे रेफर कर सकते हैं। इसमें 8000 से भी ज़्यादा सवाल जो हैं दिए गए हैं आपके लिए, तो इस किताब को आप रेफर कर सकते हैं दोस्तों। तो ये जो है किताबें आप रेफर कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने ये है कि आप इन किताबों को बाय कैसे करेंगे, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है दोस्तों कई जगहों पर, स्पेसिफिकली अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में तो लॉकडाउन चल ही रहा है दोस्तों, और राजस्थान में कोई भी जो मार्केट है बुक्स का नहीं खुल रहा है, चौड़ास्ता जयपुर का जो कि बहुत ही फेमस बुक मार्केट है वो भी नहीं खुल रहा है दोस्तों, तो फिर इन किताबों को कहाँ से बाय करें। तो मेरे इस वीडियो के नीचे सभी के लिंक्स दिए गए हैं दोस्तों, मैंने इन सभी बुक्स के लिंक्स नीचे दिए हैं, आप उन लिंक्स पर जाकर क्लिक कीजिए और वहाँ से इन किताबों को बाय कर लीजिए दोस्तों, और जो इस लॉकडाउन का जो समय है इसे बिल्कुल भी ख़राब मत कीजिए दोस्तों। मौजूदा सरकार ने कोई भी बढ़िया काम जो है आपके लिए नहीं किया है, जनता के लिए नहीं किया है, हाहाकार मचा रखा है चारों तरफ, किंतु मोदी जी ने एक बात बहुत अच्छी कही कि आपदा को अवसर में बदलिए, तो ये आपके लिए बहुत सही समय है दोस्तों, आपदा को अवसर में बदलिए। लॉकडाउन लगा हुआ है, सभी अपने अपने घर पे हैं, आप भी अपने घर पे हैं, तो आप सिर्फ ये बहाना मार के मत बैठिए कि मार्केट्स नहीं खुल रहे हैं, बुक मार्केट नहीं खुल रहा है, तो किताबें कहाँ से बाय करें। इन किताबों को आप बाय कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके इन किताबों को खरीद लीजिए, ऑर्डर कर लीजिए, किताबें आपके घर तक पहुँच जाएंगी और पढ़ना शुरू कर दीजिए दोस्तों। आपके पास में अभी भी मेरे हिसाब से 1.5 से 2 महीने का समय है, तो तैयारी अपनी अभी भी अगर आप शुरू करते हैं, अभी भी अगर आप अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, तो आपके चांसेस बहुत अच्छे हैं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके अतिरिक्त दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। धन्यवाद।